हेलो बच्चा बाटी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में सीएमए इंटरमीडिएट वाले बच्चों तुम लोगों से बात करने वाला हूँ कि तुम्हारा पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है टेंटेटिवली फॉर योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या स्ट्रैटेजी फॉलोअप कर सकते हो लास्ट के कुछ दिन तुम्हारे बच्चे अब एग्जाम के लिए। मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में को ये बता दो कि आपको किस टाइप की वीडियोज की अब के समय में आवश्यकता है, ताकि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ इन चीज़ों पर लेके, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है। तो आपको कैसी चीजों की जरूरत अभी नीड है उस चीज के बारे में बात करेंगे। मैं बोला था आपको कि मैं रिवीजन स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो दिस इज गोइंग टू बी योर रिवीजन स्ट्रैटेजी वीडियो, जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे इफेक्टिव रिवीजन कैसे किया जाता है लास्ट के कुछ दिनों के अंदर। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि सबसे इफेक्टिव रिवीजन करने के लिए आपके पास आपके प्रॉपर क्लास नोट्स होने चाहिए। मेरी आदत होती है कि मैं जब पढ़ाता हूँ, मैं पेपर नंबर 5 पेपर नंबर 8 पढ़ाता हूँ इंटर के अंदर, तो मैं कोई भी नोट्स आपको नहीं प्रोवाइड करता। ऑल्दो मैंने आईपैड में नोट्स बनाए हुए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता था, बट मैं इतना कन्वीनियंस किसी बच्चे को देना ही नहीं चाहता कि वो खुद से अपने नोट्स ना बनाए, क्योंकि हम भी फाइनल लेवल पे खुद से नोट्स बनाते हैं। तो आपके पास आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने ही चाहिए हर सब्जेक्ट के, तो इससे आपको चीज़ें और आसान होगी। ठीक है, आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा आगे चल के वीडियो में, पर उसके पहले मैं आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो कि आपको मेक श्योर करनी है कि रिवीजन के टाइम पर आप फॉलोअप कर रहे हो। तो सबसे पहली बात ये कि आपको अब एनालिसिस हो जाता है, जब हम चैप्टर करा रहे होते हैं तुमको खुद ही दिख जाता है कौन सा क्वेश्चन रिपीटेटिव मैनर में आया है एग्जाम में। इवन अगर तुम लोग कोई स्कैनर रेफर कर रहे हो सुचिता वगैरह की, तो उसमें भी तुम लोगों को दिख गया होगा। अब सुनो, रीसेंट अटेम्प्ट्स के तो पेपर इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए नहीं है तो वो हमको नहीं मिल सकते, लेकिन इंस्टीट्यूट ने पेपर पैटर्न चेंज नहीं किया है क्वेश्चन के टाइप्स को लेकर। मतलब पेपर पैटर्न हमारा पहले जो था वो अभी था वो चेंज हो गया, बट क्वेश्चन के टाइप्स आर गोइंग टू बी सेम, तो क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, उतनी डिफिकल्टी लेवल रहेगी, तो उससे हम लोग कोप अप कर सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आप जब फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, यस गाइस, फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे आपको स्टडी मटेरियल का हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, लिटरली हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। 40-50% मार्क्स तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी पेपर इज गोइंग टू बी फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। इधर अमाउंट थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, सेम क्वेश्चन भी आ सकता है। कुछ चीजों में इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा स्टैटिक रहती है अपने अजम्पशंस को लेकर, वो अजम्पशंस आपको पता होनी चाहिए, वेदर इट इज इन इनकम टैक्स और वेदर इट इज इन अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी, क्योंकि अगर एग्जाम में हमको वन लाइनर आंसर लिख के आना है तो अजम्पशन वही मारनी पड़ेगी जो इंस्टीट्यूट लेके आते। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है अपने फर्स्ट रिवीजन के दौरान पे, कि हर क्वेश्चन हमको स्टडी मटेरियल का सॉल्व करना ही करना है। दूसरी बात ये कि जब आप रिवीजन कर रहे हो, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि व्हाई थ्योरी इज रेलेवेंट इन दिस एग्जामिनेशन। अब थ्योरी किस टाइप की थ्योरी, बच्चा मेरे को बोलता है भैया थ्योरी का लेक्चर बताओ मेरे को, थ्योरी का लेक्चर मेरे को देखना है। मैं बोलता हूँ भाई थ्योरी इज नॉट अ प्योर थ्योरी, प्योर थ्योरी तो अपनी स्टडी नोट नंबर 1 में कवर्ड ही है, बट इसके अलावा जो थ्योरी सेगमेंट होता है वो प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी होती है। कि मैं आपसे थ्योरेटिकली पूछता हूँ ना, अगर कि मेरे को आप ये बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर पे जो मेरे को नोशनल प्रॉफिट बुक करना होता है, ठीक है, मेरा नोशनल प्रॉफिट आता है उसका प्रॉफिट बुक करना होता है, तो आप मेरे को बताओ कितने तरीके हैं उसको बुक करने के। तो फिर आप मेरे को बताओ कि भैया ये मल्टीपल तरीके हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हो, अगर आपका वर्क सर्टिफाइड इतना है तो इतना करोगे, वर्क सर्टिफाइड इतना है तो इतना करोगे, तो वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आता है उससे मैंने थ्योरी बना दी कि आप मेरे को एक्सप्लेन करो कि कितने तरीके हो सकते हैं, हाउ मेनी फॉर्मूलाज आर देयर। यू वोंट बिलीव गाइस, फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, व्हाट आर द यूजफुलनेस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के क्या एडवांटेजेस है, क्यों बनाते हैं, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऐसे टाइप के क्वेश्चन थ्योरी में आते हैं। तो ये सब तो हमने जो प्रैक्टिकल पढ़ा है उसी से उठा के थ्योरी पूछी जा रही है ना, तो इसकी अलग से थ्योरी नहीं पढ़ते हम, इसको रिवीजन के टाइम पे ध्यान रखते हैं कि इस क्वेश्चन से कैसा थ्योरी बनाया जा सकता है। आ रही क्या बात समझ में? यस, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप अपना पर्सपेक्टिव ऐसा लेके चलो। थर्ड थिंग आपको ध्यान में रखना है, रिवीजन करने के टाइम पे आपको हर वो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक होता है, आप कोई भी किसी भी टीचर से आप पढ़े हो या फिर आप कहीं से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो रेफर किए ही होंगे, क्योंकि बुक में तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सफिशियंट नहीं है, तो लेट्स आप स्कैनर ही रेफर करके रखे हो, तो स्कैनर के अंदर कुछ क्वेश्चन अपने आप में रेयर क्वेश्चन होते हैं, यूनिकनेस होती है उनके अंदर, उनको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। एक एग्जांपल लेके बताऊं तो लेबर चैप्टर के अंदर लेबर की एफिशिएंसी बढ़ती है, तो हमको पता रहता है एफिशिएंसी बढ़ रही तो अपने को कम लेबर लगेंगे, कम पेमेंट करनी पड़ेगी, तो कम पेमेंट के लिए 5% एफिशिएंसी बढ़ती तो 105 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया अपना स्पेशल वेराइटी का क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको रिपीट करने ही करे हैं। ग्रुप इंसेंटिव स्कैम जो स्कीम होती है तुम्हारी, ठीक है सॉरी स्कैम बोल दिया, ग्रुप इंसेंटिव स्कीम तुम्हारी जो होती है उसके अंदर के क्वेश्चन, ये सब क्या है तुम्हारे अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, डिफरेंट सेगमेंट के क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको मस्ट रिपीट करना है। प्रोसेस के अंदर M1 M2 का कॉन्सेप्ट होता है, मटेरियल 1 मटेरियल 2 का कॉन्सेप्ट, इस टाइप के स्पेशल वैरायटी के क्वेश्चन एटलीस्ट आपको 5 स्टार वाले सारे रिपीट करने हैं। 4 स्टार वाले भी कुछ क्वेश्चन आप रिपीट ही कर लोगे और कुछ क्वेश्चन आप ऊपर ऊपर से देख लोगे, हाँ यार ये तो मेरे को बनता ही है, मैंने रेगुलर के टाइम पे बहुत अच्छे से समझ लिया था,
तो वो बात बन जाएगी। बट रिवीजन इस प्रकार से होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को 5 दिन से ज्यादा टाइम नहीं दे सकते आप रिवीजन के लिए। क्रिटिकलनेस को समझो, अभी मैं मान के चलता हूँ, मोटा मोटा मैं मान के चलता हूँ अप्रैल हमारा 5 दिन बचा होगा, ठीक है, 3-4 दिन तक तो ये वीडियो ही आप देख रहे होगे, आप तक पहुंचने में लग गया होगा, तो अभी अप्रैल में 5 दिन बचे हैं हमारे पास, हमारे पास मई या जून में हमारा एग्जाम है, हमको 5-5 दिन अगर एक सब्जेक्ट का रिविजन करेंगे तो फर्स्ट रिविजन ऐसे खत्म होगा हमारा, फिर सेकेंड रिविजन में भी तो जाना है। इसके अलावा जब भी आप रिविजन करने बैठो, ईट डैट फ्रॉग, पहले आप टफ चैप्टर्स खत्म करोगे। बच्चे क्या करते हैं, ईजी ईजी करते रह जाते हैं, बार 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 इजी चैप्टर को उठाएंगे उसको पहले करेंगे, इजी को उठाएंगे, तो भाई इजी तो तेरे को बनना ही है ना, और जिस सब्जेक्ट में तेरे को इंटरेस्ट है वो भी तेरे को बनना ही है, तो पहले आप टफ चीजें उठाओगे, टफ चैप्टर्स को उठाओगे, उनको पिक करके सॉल्व करोगे, क्योंकि तुमको भी पता है, देखो इंटर रिलेशन जो हम निकालते हैं फर्स्ट टाइम पर रेगुलर लेक्चर कर रहे होते हैं तो इंटर रिलेशन निकलते हैं, बट जब हम रिविजन कर रहे हैं तो ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ है हमारे, तो अगर हम डायरेक्टली टफ चैप्टर से भी स्टार्ट कर रहे हैं रिविजन तो बन जाएगा। जैसे इनकम टैक्स अगर आप कर रहे हो तो आप पीजीबीपी से स्टार्ट कर सकते हो, कैपिटल गेन से स्टार्ट कर सकते हो, इस प्रकार से चीजें कर सकते हो। लॉ के अंदर आप कंपनी लॉ सबसे पहले करोगे, क्योंकि कंपनी लॉ का सबसे ज्यादा वेटेज आपका बन के आता है। अपना इसके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, ये सारे टफ चैप्टर्स और जो चैप्टर्स का वेटेज एग्जाम में ज्यादा है उनको आप पहले रिवाइज करोगे। आधी बात समझ में। लेकिन जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने बैठ रहे हैं तो हम ब्रांच करेंगे, डिपार्टमेंट करेंगे, हायर परचेस करेंगे, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर करेंगे, रॉयल्टी करेंगे, ये सब पहले करेंगे। आपकी मूर्खता होगी कि आप पहले पार्टनरशिप करने बैठ गए, क्योंकि पार्टनरशिप अपने आप में जस्ट डबल द टाइम लेगा, सब सारे चैप्टर्स को मिला के जितना टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी है फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन। अगर आप बिना स्टडी प्लान के रैंडम रिवीजन्स करने बैठ रहे हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, एज सिंपल एज दैट। स्टडी प्लान के बिना कोशिश भी मत करना रिवीजन में बैठने की, कुछ नहीं हो पाएगा, उल्टा सब कुछ जो करा का करा है सब बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करोगे, एक स्ट्रैटेजी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए ये करने के लिए। लास्टली, पूरा रिवीजन होने के बाद आपको किसी भी हाल में मॉक टेस्ट देना ही देना है, कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास। मॉक टेस्ट दिए बिना एग्जाम में नहीं बैठ सकते हम। इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी तुम लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ भी मॉक टेस्ट वही वाला अवेलेबल करा देगी। बेसिकली अभी क्या है, मॉक टेस्ट पोर्टल अभी तुम लोग नहीं खोल पाओगे, मॉक टेस्ट पोर्टल चालू है ठीक है, बट वहां तुम ओपन नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर अभी रजिस्टर नहीं हुआ होगा। जैसे ही ओपन होगा सेम मॉक टेस्ट जो पिछले अटेम्प्ट में बाकी बच्चे दिए थे वही मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए भी अवेलेबल हो जाएगा, तुम दे सकते हो। बाकी तुम चाहोगे तो मैं तुमको मॉक टेस्ट का पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर तुम अभी प्रिपेयर कर चुके हो तो, जो मैं पीडीएफ तुम लोग को अब दिखाने वाला हूँ पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है। तो पेपर पैटर्न कुछ इस प्रकार से, 4 सेक्शन होने वाले, सेक्शन नंबर ए के अंदर 20 एमसीक्यूज होंगे, सेक्शन नंबर बी के अंदर 20 तुम्हारे वन वर्ड आंसर्स होंगे, सेक्शन नंबर सी के अंदर तुम्हारे टोटल 6 बड़े क्वेश्चन होंगे जिसमें से तुमको 4 अटेम्प्ट करने, और सेक्शन डी के अंदर 1 कंपल्सरी तुम्हारा क्वेश्चन होगा। तो ये तुम्हारा पेपर पैटर्न होने वाला है। तो जरा आप देखोगे ध्यान से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस 2016 का तुम्हारा दिसंबर 21 का ये मॉक टेस्ट मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ दिखाने के लिए। जहाँ देखो सेक्शन ए 20 मार्क्स का है और हर क्वेश्चन के अंदर आपको एमसीक्यू वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, फाउंडेशन वाला सीन नहीं, यहाँ पर 2-2 मार्क्स मिल जाएगा ना, 1 क्वेश्चन = 1 मार्क्स। क्वेश्चन के टाइप पे मत जाना क्योंकि यहाँ पर ये मॉक टेस्ट है, रियल एग्जाम में इंस्टीट्यूट टफनेस लेवल बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, दोनों भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट एक ग्रॉस आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं अगर अपनी एनालिसिस बताऊं, एक्चुअल पेपर जो आया था वो भी मैंने वर्ड्स लिए हैं बच्चों से जो एग्जाम अटेंड किए हैं, और इवन तुम लोगों को पता है ऑल इंडिया रैंकर से भी मैंने बात की है, तो मेरे को पता चला कि पेपर एक्सेप्शनली टफ नहीं था। मतलब मॉड्यूल के दायरे में रहकर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस पूछे हैं, जो बच्चा अच्छे से मॉड्यूल और पीवाईक्यू करके जा रहा है वो आराम से एग्जाम क्लियर कर सकता है, बट बात यह है अच्छे से जो करके जा रहा है रिविजन भी सही से कर, तो ऐसा कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पर आपको 20 एमसीक्यू देखने को मिले, उस पर सेक्शन बी के अंदर आपको आंसर करने सारे क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, और अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे तो 1 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है। 1 वर्ड वाले क्वेश्चन देखिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज बाय नेचर, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो इस टाइप के मतलब 1 वर्ड या फिर 1 लाइन में आपको आंसर देने हो, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेंगे। सेक्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर सेक्शन फॉर यू ऑल गाइस। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपका पूरा हर एस्पेक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करके बैठे हो तो सेक्शन ए और बी मिला के ही आप पासिंग मार्क्स को टच कर देने वाले हो, टच करने वाले हो। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता 40 आउट ऑफ 40 एकदम तुम लोग कॉन्फिडेंट हो पाओगे, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो पैनिक में आदमी गलती करता है, तो वो अगर तुम नहीं करोगे तो यू कैन इवन स्कोर 40 आउट ऑफ 40। बट अगर आप 35 के भी ऊपर स्कोर कर रहे हो, जो कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा हर बच्चा जो वीडियो देख रहा है 35 तो क्रॉस कर ही लेगा उन सेगमेंट के अंदर, तो अगर आप 35 क्रॉस कर रहे हो तो लिटरली अब आपको सिर्फ 5 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और सिर्फ आपको 25 मार्क्स चाहिए एग्जम्पशन स्कोर करने के लिए। तो बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है, क्योंकि सेक्शन नंबर सी के अंदर आपको 48 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले, जहां हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का, और आपको टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आपके हाथ में आप कौन सा करो। यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, जो बच्चा थ्योरी थ्योरी वाला बच्चा है
न्यूमेरिकल उसको पसंद नहीं आता है, होते हैं कुछ बच्चे थ्योरी थ्योरी वाले बच्चे, जैसे मेरे को थ्योरी नहीं पसंद, मेरे को न्यूमेरिकल पसंद आता है, तो कुछ बच्चे थ्योरी थ्योरी। इस सेगमेंट के अंदर लास्ट क्वेश्चन आपको प्योर थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा, प्योर थ्योरी, तो वो हम अभी देखेंगे कैसे। तो ये देखो तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार से देखो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, टाइप योर आंसर हियर, करना क्या था, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना। तो ये आप हो गया। अब सुनो मेरी बात, एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल सेक्शंस होंगे, तो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर ये देखो सेक्शन ए था, ठीक है, ये टोटल 4 मार्क्स का था। फिर ये देखो सेक्शन बी है यहाँ पर, और ये है तुम्हारा 2 मार्क्स का, ये देखो 2 मार्क्स में आपको बताना है जीपी। फिर 4 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे बेस पूछेगा, जहां पर आपको बताना है अमाउंट ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, किसका है क्वेश्चन, इंश्योरेंस क्लेम का है, तो पहले जीपी बता देना है, जीपी रेशियो, जीपी रेशियो निकालना पड़ता है ना हमको। फिर जीपी रेशियो के बाद हम लोगों को कितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया ये बताना है, और फाइनली इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट। तो खुद सोच के देखो, पूरा जो इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं शुरू से आखिरी तक, जीपी रेशियो निकालते हैं, स्टॉक डिस्ट्रॉयड निकालते हैं, एडिशनल एक्सपेंडिचर का क्लेम निकालते हैं, इंश्योरेंस क्लेम निकालते हैं, लास्ट में सब निकालना पड़ेगा, और फिर तीनों आंसर दोगे तो 2 मार्क्स इधर, ठीक है, 4 मार्क्स इधर, 2 मार्क्स इधर, तो आपको टोटल 8 मार्क्स इधर मिलेंगे, 4 मार्क्स इधर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन आपका 12 मार्क्स हो गया विद 2 सेपरेट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो इस टाइप का पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। नॉट अ बिग डील आई थिंक सो गाइस, तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कोई बहुत बड़ा एकदम वो नहीं हो गया, ठीक है, कि नहीं बनेगा ऐसा। सेम क्वेश्चन है, सारे फेवरेबल क्वेश्चन है हमको, बस हमको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है थ्रू आउट द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आपको दे के रखा है, और आपसे क्वेश्चन क्या दे रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो ये आपका फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन हो गया। तो आपको परचेज एंड सेल जो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखना है वो बताना है, जीपी बताना है, ठीक है, नेट प्रॉफिट बताना है, और कैपिटल का बैलेंस बताना है बैलेंस शीट के अंदर। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर कैपिटल की जगह पूछ सकता है, बैलेंस शीट का टोटल बता दो, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो बताओ नॉर्मली क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करके डब्बों में आंसर लिखना है, रफ शीट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डब्बों में आंसर लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा सेक्शन नंबर बी चलेगा विद सेवरल क्वेश्चंस। अगर आप लास्ट क्वेश्चन देखोगे, 5th क्वेश्चन, इसके अंदर पार्ट ए, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, प्योर थ्योरी, ठीक है। पार्ट बी के अंदर देखो क्या पूछ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन पूछ रहा है, क्या करना है इसमें, कॉस्ट एन आरवी विच एवर इज लोअर, टाइम पास, कॉस्ट एन आरवी विच एवर इज लोअर करना है, तो ये आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट, वो भी 3 मार्क्स में पूछ दिया ना। अब सुनो मेरी बात, आपको वर्किंग नोट के अंदर रेफरेंस दे के आना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि मैंने इस वैल्यूएशन को कंप्लीट किया है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ठीक है, और उसके अंदर मैंने ये पैरा वैरा लिखा है, ये सब आप एडिशनली लिख सकते हो, बट आपको एएस का रेफरेंस तो दे ही देना है वर्किंग नोट्स के अंदर। अगर आपको वर्किंग की जगह दी है तो मेक श्योर कि आप उसका यूज करो, क्योंकि वर्किंग दे के रखी मतलब इंस्टीट्यूट चाह रही है कि आप वर्किंग लिखो, तो आप ऐसे वर्किंग लिख के दिखा दोगे कि ये देखो हमने देखा कॉस्ट एन आरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट एन आरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट एन आरवी विच एवर इज लोअर, सबका टोटल मार्क 76 आ गया। इससे हलवा क्वेश्चन क्या तुम एक्सपेक्ट करोगे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसा भी नहीं आ रहे, आ रहे। नेक्स्ट देखो, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड टू बी मेड एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2, मैं बोला ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मोर ऑफ अ थ्योरी कंटेंट, ठीक है, तुम्हारे इंटरमीडिएट के अंदर, तो वो आपको ये थ्योरी लिख के आनी कि क्या क्या डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसा कि तुम लोगों को पता है अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए लेके रखी है, ठीक है, कॉस्ट फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने यूज किया, उसके अलावा आपको इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन करना है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेंड, स्टोर्स एंड स्पेयर, लूज टूल, और अदर स्पेसिफिक नेचर का, ठीक है, तो ये सब आपको रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिख के आ जाने सिंपल। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, रिक्वायर्ड टू राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 out of 5, तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन जो था 6th नंबर क्वेश्चन में देखो हमको 4 लिखने out of 5, ठीक है, अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो, एरर नॉट डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस, बेनिफिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, देख रहे हो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की बेनिफिट क्या है, अब बताओ इसकी थ्योरी पढ़ने अलग से बैठेंगे क्या हम, नहीं, हम अगर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पढ़े हमको पता है क्या बेनिफिट है उसके, हम लिख के आ सकते हैं अपने वर्ड्स में, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या क्या होता है, और यहाँ पर देखो सरप्लस कैपिटल मेथड इन रिलेशन टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो ये आपको सरप्लस कैपिटल मेथड को जो प्रैक्टिकल सीखे उसको थ्योरेटिकली डिस्क्राइब करना है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम इस प्रकार से। ये देखो सिंगल एंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या क्या है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। फिर हम एंटर कर जाएंगे सेक्शन नंबर डी के अंदर, केस स्टडी लिख के रखा है, बट केस स्टडी नहीं, अकाउंट्स के अंदर कहाँ से केस स्टडी आएगी। ये देखो एक प्रॉपर क्वेश्चन यहाँ पर आया है जिसमें आपको बताना है, ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है तुम्हारा, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से तुम निकालोगे, नेट प्रॉफिट बताना है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स बताना है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स बताना है, ओके बस इतना ही बताना था। किसका क्वेश्चन है ये, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है। ये देखो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, एक ग्रॉसरी बिजनेस करता है, इसी से समझ में आ गया भाई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ग्रॉसरी बिजनेस करता है, 1 अप्रैल को उसका कैपिटल 10 लाख का था, ठीक है, ये देखो
यू हैव बीन अप्रोच बाय जी टू हेल्प हिम टू रिगार्ड द डिटरमिनेशन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। क्यों करते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले ये सब काम? अगर आपसे लास्ट में पूछ लिया कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है उनका, तो भाई लोन लेना है, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, ये सब पर्पस नहीं करवाते, ठीक है। तो ये तुम्हारा पेपर पैटर्न होगा अकाउंट्स, आ रही के बाद समझ में। सेम पैटर्न तुम्हारा कॉस्टिंग के अंदर भी है, ये देखो यहाँ पर आपका सेक्शन ए में वही 20 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, फिर उसका सेक्शन बी में 1 मार्कर्स रहेंगे, और फिर उसका सेक्शन सी के अंदर आपको एंटर करना है जहाँ पर आपको अगेन कोई 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी वाला क्वेश्चन, ये देखो थ्योरी वाला क्वेश्चन देखो, प्रिंसिपल बजट फैक्टर आपको बताना है, एक थ्योरी वाला क्वेश्चन हो गया, बस आपको थ्योरी थ्योरी वाले क्वेश्चन देगा। देखो वेज एनालिसिस बताना है यहाँ पर, ये देखो नीड फॉर प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट, क्यों जरूरत है प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट की ये बताना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब बताना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन बिहेवियर्स, बिहेवियर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, देख रहे हो प्योर थ्योरी, प्योर थ्योरी। कंडीशन एंड प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी, अब कुछ बच्चे सोचते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज नॉट, भाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है तुम्हारा, याद है एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल टॉपिक है अपना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग व्हाट मेक्स डिफरेंस, तो उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं ये देखो यहाँ पर उसका क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल के ऊपर, थ्योरी में, थ्योरी में आया, अपन न्यूमेरिकल करके रखे बट उसी से डिराइव्ड थ्योरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं से भी थ्योरी देखने को मिलेगा, एकदम रैंडम थ्योरी आएगी, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं बैठ के पूरी बुक रटना चालू कर दूँ, दिमाग नाम की चीज़ अपने को लगानी पड़ेगी, जो हम प्रैक्टिकल करके रखे हैं उसकी हमको थ्योरी आनी चाहिए, ऐसा होगा हिसाब किताब, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो सेक्शन नंबर डी 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके ऊपर आया है, ये देखो क्या करना है आपको, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द कंपनी बताना है 50% कैपेसिटी, ठीक है, बजट का क्वेश्चन है बेसिकली, दिख ही रहा होगा तुम लोगों को 75% कैपेसिटी पे कुछ बताना है, 50% कैपेसिटी में प्रॉफिटेबिलिटी बताना है, 75% कैपेसिटी में प्रॉफिटेबिलिटी बताना है, ये तुम्हारा बजट का क्वेश्चन है, जहां जहां पर वर्किंग बोलेगा वहां पर आप वर्किंग दिखाओगे, एज सिंपल एज दैट, कोई बात ही नहीं है। तो पहले फटाफट पेज में सॉल्व करोगे, इधर टाइप करोगे, इसलिए मैं बोला भाई टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि पहले पेज में सॉल्व करना है फिर टाइप भी करना है, तो पेज में हम रफली सॉल्व करेंगे, ऐसे सट सट लाइन खींचेंगे, रफली सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको यहाँ पर टाइप करके दिखाएंगे अगर वर्किंग्स डिमांड हुई है तो, आ रही है क्या बात समझ में। बाकी हो सकता है इंस्टीट्यूट इस बार फॉर्मेट्स वगैरह प्रोवाइड करे, वो तो देखते हैं कब वो इस चीज़ पर क्लैरिफिकेशन देते हैं कि कोई चेंजेस कर रहे हैं क्या पेपर पैटर्न में, अंटी अनलेस जब तक वो चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम यही मान के चल रहे हैं कि यही वाला पेपर पैटर्न सेम टू सेम आने वाला है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी रिवीजन कैसी होनी चाहिए आने वाले समय में और आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई है, और कोई वीडियो की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।